सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आपको फिर फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना हो, जैसे कि ये हमारा फ़ोटो है, इसका अगर बैकग्राउंड चेंज करना हो तो कैसे करते हैं देख लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे मेथड होते हैं, बट हमारा बैकग्राउंड जो होता है चेंज नहीं होता है। यहाँ पर इस वीडियो में ही बताएंगे कि कैसे आप परफेक्ट तरीके से बैकग्राउंड चेंज करते हैं, वो भी HD में। तो हमारी फ़ोटो अब दिखा देते हैं। यहाँ पर हमारी फ़ोटो जो है 3.8 MB का है, तो यहाँ पर मतलब HD भी काफ़ी अच्छा फ़ोटो है, मतलब DSLR का। तो यहाँ पर भी इस फोटो का एकदम HD बैकग्राउंड बिना क्वालिटी, मतलब जैसे क्वालिटी होते नहीं घट जाता है, तो इसका बिना क्वालिटी चेंज हुए मैं इसका फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करके दिखाऊंगा। अगर हमारी वीडियो पूरी देखते हैं, अच्छी लगती है वीडियो, तो कर देना लाइक। चैनल पर नया है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों ये वीडियो बहुत कम ही लोग बताते हैं ऐसा परफेक्ट तरीके से। तो आपको ओपन कर देना होगा अपना क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद देख लीजिए हमारा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया। इसको ओपन होने के बाद आपको सर्च करना होगा, देखिए remove bg, तो remove bg पे करना होगा सर्च। यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ remove bg। remove bg पे सर्च करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए आपको कुछ जो फर्स्ट ऑप्शन है remove background, तो आपको remove background के ऑप्शन पे कर देना होगा क्लिक। remove background पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए remove image background 100% ऑटोमेटिकली एंड फ्री वगैरह सब इसमें दिया है। मतलब यहाँ पर आप जैसे अपने बैकग्राउंड को फ्री चेंज कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है। तो आपको कैसे चेंज करना है पहले इसका देख लीजिए क्या इसमें है। तो यहाँ पर ओरिजिनल फ़ोटो, रिमूव बैकग्राउंड, यहाँ हाल टोटल सब मतलब बताया है। आपको प्रोफाइल बताएगी क्या बिफोर कैसे आफ्टर कैसे, तो आप यहाँ पर सब देख लीजिए, सारे एप्लीकेशन का लोगो भी दिया है। तो आपको सिंपल तरीका करना होगा, पहले आपको यहाँ पर जो 3 lines है यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पर आपको मेरा रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन, तो यहाँ पर लॉगिन एंड साइनअप है, तो आपको लॉगिन एंड साइनअप कर देना होगा। देख लीजिए यहाँ पर लॉगिन एंड साइनअप कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा ऑलरेडी हो गया है, अगर आपको भी करना हो तो आप यहाँ से कंटिन्यू विथ जीमेल से कर सकते हैं। तो मेरा साइनअप करना हो तो साइनअप यहाँ से साइनअप कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर साइनअप भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन हैं। तो आपको यहाँ पर कर देना है बैक, तो क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ पर करने के बाद आपको चले जाना होगा बैक, तो यहाँ पर फिर से देख लेना दोस्तों, यहाँ पर लिखा है अपलोड इमेज, तो आपको अपलोड इमेज के पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर देख लीजिए मैंने अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद जो हमारी फ़ोटो है, तो मैं वो अपनी फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट होने पर यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कुछ अपलोडिंग का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पर अपलोडिंग हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पर ओरिजिनल फ़ोटो जो हमारी है तो अपलोडिंग हो रही है, क्योंकि हमारी काफ़ी MB की है, तो इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। तो आपको फ्यू मिनट्स ऐसे वेट करना होगा जब तक ये हमारी अपलोडिंग वाली जो सीट है ये लोडिंग होके ऐसे पूरे परफेक्ट तरीके से आपकी फ़ोटो आ नहीं जाती, तब तक आपको वेट करना होगा, क्योंकि ऐसे होने के बाद आपकी फ़ोटो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ आपको वेट करना होगा। देख लीजिए आपको यहाँ पर अभी कुछ टाइम लग रहा है, क्योंकि जैसे आपका नेट वगैरह स्लो होता है जिस तरह से, उसी तरह ये मतलब वेबसाइट वर्क करती है। तो यहाँ पर हम कुछ वेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसमें क्या मतलब कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारी फ़ोटो जो है चेंज होके आ गई है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए सब पूरा चेंज हो गया है, पूरी बैकग्राउंड ही हट गई। देख लीजिए ओरिजिनल फ़ोटो हमारी कैसे थी, इस तरह थी। देख लीजिए आप ध्यान से देखिए, ओरिजिनल फ़ोटो ऐसी थी, फिर मैं रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ तो कुछ ऐसी दिख रही है। और यहाँ पर कुछ दिया गया है कि अगर आपको एडिट करना होगा तो ऊपर से एडिट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर दिया होगा डाउनलोड, तो आपको डाउनलोड कैसे करना होगा, तो आपको अगर ऐसे करना होगा तो सेम कर दीजिए। अगर फुल HD में करना होगा, जिस तरह आपकी फ़ोटो थी आपको उस तरह फुल HD में करना होगा, तो आपको क्लिक कर देना होगा डाउनलोड HD। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड HD पे क्लिक किया। इसके HD होने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, मैंने पहले नहीं बताया था कि आप किस तरह इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको, मैं उस टाइम भूल गया था, तो साइनअप अब फ्री करना होगा। तो साइनअप करने के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। देख लीजिए इसमें कुछ आपको दिख रहा होगा, 1 free image अप टू इतना मेगापिक्सल वगैरह सब दिया। तो आपको एक ही फ़ोटो, मतलब एक साइनअप पे एक ही फ़ोटो फ्री केवल दिया जा सकता है। उसके बाद फ्री या प्रीमियम, जैसे पर मंथ का चार्ज हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए चार्ज भी लेता है। तो आप कंटिन्यू विद साइनअप कर देना होगा। मैंने एक अपने जीमेल से इसमें ऑलरेडी लॉगिन कर दिया था, बट मैं अब दूसरे से करूँगा क्योंकि ये अब डाउनलोड नहीं हो। तो यहाँ पर मेरी जीमेल है, तो मैं अपने जीमेल पे क्लिक कर देता हूँ।
किसी भी जीमेल पे, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक जीमेल से लॉगिन किया था तो ये फ्री नहीं दे रहा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्रिएट या न्यू वगैरह अकाउंट्स हो, यहाँ पर मैंने अपने रियल जीमेल से क्लिक किया तो यहाँ पर जो ऐसे आपको सब कर देना होगा। टिक करने के बाद देख लीजिए एग्री टर्म एंड कंडीशन, तो यहाँ पर सब वगैरह दिया हुआ है, आपको दोनों के एग्री कर देना होगा। एग्री करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए साइनअप का ऑप्शन है, तो आपको बहुत ध्यान से अब देखना होगा, साइनअप करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग साइनअप क्लिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पर कुछ लोडिंग वगैरह होगा, देख लीजिए अभी तो कुछ टाइम लग रहा है क्योंकि आपको ऐसे साइनअप करके छोड़ देना होगा। यहाँ पर देख लीजिए ऊपर वेबसाइट लोडिंग हो रही है, लोडिंग होने के बाद फिर से ये देख लीजिए आपका फ़ोटो आ गया, फ़ोटो आने के बाद फिर आपको कर देना होगा क्लिक, तो वन क्रेडिट, तो यहाँ पर आपका आ गया वन क्रेडिट, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा सेव, तो यहाँ पर सेव ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ डाउनलोड, तो यहाँ पर डाउनलोड होता है, देख लीजिए प्रोसेसिंग को लेता है, प्रोसेसिंग लेने के बाद देख लीजिए कुछ टाइम वेट होता है, फिर यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। डाउनलोड होने के ऑप्शन पे देख लीजिए यहाँ पर कुछ आ रहा है ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको कर देना होगा जैसे इसका इस जो MB है, तो मैंने पिकार्ड का जो फ़ोटो वगैरह है तो उसका PNG मैंने रिमूव किया है, तो यहाँ पर 4.49 MB का आ गया है अगेन, तो आपको डाउनलोड कर देना होगा अगेन। तो मतलब यहाँ पर देख लीजिए आपका जो फ़ोटो है रिमूव बैकग्राउंड वगैरह हो गया है, तो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया फ़ोटो, फ़ोटो ओपन होने के बाद यहाँ पर देख लीजिए कुछ हो रहा है लोडिंग, तो लोडिंग होता है, रुक जाए दोस्तों दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए जो हमारी इमेज क्वालिटी है देख लीजिए इसमें कितनी अच्छी आई है, मैं पहले बैक करके अपनी ओरिजिनल इमेज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल इमेज है ये देख लीजिए दोस्तों, ये देख लीजिए, उसके बाद मैं दिखाऊंगा ये वाली फ़ोटो की इमेज, तो यहाँ पर ये देख लीजिए कितनी अच्छी, कितनी मतलब HD क्वालिटी में आप मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। देख लीजिए यहाँ पर ये दोनों फ़ोटो वगैरह जो हैं वो दोनों फ़ोटो सेम है, देख लीजिए यहाँ पर कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब चेंज है, क्वालिटी वगैरह चेंज है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों फ़ोटो भी फटी है, इसका बैकग्राउंड भी अच्छा, देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर एकदम अच्छा खासा बैकग्राउंड, जैसे मतलब आप रिमूव करने को सोच भी नहीं सकते किसी एप्लीकेशन से, ये ऐसे आपको फ्री में दिया है। तो अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी लग गई तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों, ऐसे वीडियो टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अच्छी नई वीडियो में, तब के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा, लव यू।